वेलकम बैक टू माई चैनल बींग ब्यूटीफुल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ब्रांड मामा अर्थ की तरफ से, जो कि एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, जो हाल ही में 7 to 8 days पहले ही लॉन्च हुआ है, मामा अर्थ ने लॉन्च किया है। एंड मामा जो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, एंड इस टाइम मामा अर्थ जो कंपनी एक इंडियन ब्रांड है एंड ये काफ़ी तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात, मामा अर्थ में क्या गुडनेस है जिसकी वजह से हम मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदें। देखिए, मामा अर्थ में क्या है, एक तो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकल भी करता है एंड उसे यूज़ भी करता है। एंड उससे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी टाइप की पैराबिन नहीं होता, सिलिकन नहीं होता। डर्मेटोलॉजिकली इनका हर प्रोडक्ट टेस्टेड होता है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप, ज़्यादातर इनके प्रोडक्ट्स जो हैं सूट्स ऑल स्किन टाइप्स ही होते हैं। सो ये इनमें एक गुडनेस वाली बात है। एंड रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनका रीज़नेबल ही प्राइजेज़ होते हैं एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। सो अब हम आते हैं अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे, जो कि मामा अर्थ से एक्वा ग्लो। इनकी एक्वा ग्लो जो रेंज अभी मार्केट में लॉन्च हुई है उसी की तरफ से ये सनस्क्रीन भी है। इसमें 2 या 3 फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र वगैरह, जेल जो भी हैं एंड सनस्क्रीन, 3 या 4 प्रोडक्ट्स इनके न्यूली लॉन्च हुए हैं। सो मैंने भी ये प्रोडक्ट को बाय किया था। ये प्रोडक्ट मेरा 5 to 6 days पहले आ गया था। इसको मैंने फिर उसी दिन से मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इसका रिव्यू पहले नहीं किया था कि पहले मैं इसे यूज़ करके देखना चाहती थी ताकि मैं इसे इसके बारे में बता सकूं कि ये कैसा है। सो इस सनस्क्रीन में क्या खास बात है, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल, ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। बहुत सारे सनस्क्रीन जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्रीम बेस्ड, जेल बेस्ड, लोशन बेस्ड, जैसी जिसकी स्किन टाइप होती है वो वैसा ही सनस्क्रीन यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हर टाइप का सनस्क्रीन आपको सूट करे। कईयों की सनस्क्रीन लगाने से फेस जो है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनके टाइप का ही नहीं होता, वो गलत सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से फेस जो आपका ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। सो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपकी स्किन पे लोशन ज़्यादा बेटर रहेगा या जेल। वैसे तो गर्मियों में जेल ज़्यादा बेटर रहता है, पर कईयों की स्किन में जेल नहीं जाता। एंड इस सनस्क्रीन में एक गुडनेस और है, विद हिमालयन थर्मल वाटर हाइलोरनिक एसिड SPF 50 PA++। ये SPF 50 है एंड 50 ग्राम ही इसकी क्वांटिटी है। हिमालयन की गुडनेस से बना हुआ है एंड हाइलोरनिक एसिड जो हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के जो pH बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो वाटर की कमी हो जाती है सन टैन की वजह से या धूप में निकलने की वजह से, उसको ये कुछ हद तक पूरा करता है। 100% कोई चीज़ पूरी नहीं करती, वो तो आप नॉर्मल तरीके से आपको अपनी डाइट पर ही ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आजकल बिना सनस्क्रीन के आप बाहर नहीं जा सकते। एंड इस सनस्क्रीन में एक ख़ास बात और भी है, फॉर सन एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, जो और सनस्क्रीन में बहुत कम आपको मिलेगी, आपने कभी ध्यान दिया हो, वो सिर्फ हमें सन से प्रोटेक्शन देते हैं, ये हमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। एंड इसका जो डिज़ाइन भी आप देखेंगे, काफ़ी इन्होंने ब्लू ब्लू कलर को हाईलाइट किया है। ब्लू लाइट प्रोटेक्शन क्या होती है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, कुछ समय पहले ऐसी स्टडी भी हुई हैं कि ब्लू लाइट फ्रॉम द सन कंट्रीब्यूट्स टू मेलाज्मा। मेलाज्मा एक तरह की डिजीज़ होती है, कुछ लोगों को जिनको सोराइसिस की भी डिजीज़ होती है, जिनकी स्किन पे एलर्जी होती है, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स उठ जाते हैं एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द फेस, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है सन की वजह से। सो उसकी वजह से इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है ताकि हमें ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो नॉर्मल सनस्क्रीन होते हैं उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन इसका भी मेन इंग्रेडिएंट आयरन ऑक्साइड है, जो कि हमारी स्किन को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब जो UVA UVB, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि UVA and UVB रेस से ही हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जबकि ज़्यादातर सनस्क्रीन जो हम प्रोडक्ट बाय करते हैं सनस्क्रीन के, लैक्मे हो या कोई भी और हो, लोटस हो, उन पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता कि हमें, मतलब सॉरी, उन पर ये मेंशन होता है कि UVB UVA रेज में प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा। एंड इसमें लिखा है कि फोर सन से हमें प्रोटेक्ट करेगा एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी हमें
देगा। ब्लू लाइट प्रोटेक्शन क्या होता है? सीधी सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो ब्लू लाइट जो होती है सन से आने वाली किरणें ही होती हैं जो UVA और UVB रेज से ज़्यादा पावरफुल होती हैं एंड वो बहुत तेज़ी से हम तक पहुँचती हैं और जो हमारी स्किन को हार्म करती हैं, ये इसका मतलब होता है। एंड सनस्क्रीन को हमें समर में लगाने चाहिए। विदाउट सनस्क्रीन तो घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप घर में आप SPF 35 तक का भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर तो आपको 50 से कम नहीं चलेगा, तो कम से कम 50 तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड ये पैराबिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स है एंड ये जेल बेस्ड है। सबसे ध्यान देने वाली बात जेल बेस्ड है। 50 ग्राम इसकी क्वान्टिटी है। एंड डायरेक्शन फॉर यूज़, अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन क्लीन फेस। आप अपने क्लीन फेस पर से यूज़ कीजिए। नेक एंड अदर स्किन एरियाज एक्सपोज टू द सन, जैसे कि हर सनस्क्रीन अप्लाई किया जाता है ये भी वैसे ही किया जाएगा। जितना भी आपका एक्सपोज एरिया है वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई एवरी 6 आवर्स फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। हर 6 आवर्स में आपको इसे रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई आफ्टर एवरी स्विम और इन केस ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग मोशन अंटिल कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। देखिए रीअप्लाई आपको करना, अगर आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको स्विमिंग पूल से बाहर आने के बाद सब रीअप्लाई करना ज़रूरी होगा। आप एक्सेस स्वेटिंग करते हैं, एक्सेस आपको पसीना आता है, तब भी आपको इसे रीअप्लाई करना होगा। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है। कैन बी यूज अंडर मेकअप। प्रोडक्ट कंटेन्स नेचुरल इंग्रीडियंट्स, में चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस। इवन नेचुरल इंग्रीडियंट्स कैन कॉज़ ट्रिगर एक्साइटिंग एलर्जीज। इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। टिप्स फॉर सन प्रोटेक्टेड स्किन, इन्होंने ये भी दिया हुआ है, टिप्स फॉर सन प्रोटेक्टेड स्किन। यूज सनस्क्रीन एवरीडे इवन इफ इट्स क्लाउडी। अगर बहुत ज़्यादा मौसम क्लाउडी है तो आप इसे यूज़ करें। अप्लाई सनस्क्रीन एवरीडे 20 मिनट्स बिफोर हीटिंग आउट। 20 मिनट जाने से पहले, धूप में जाने से पहले आप इसे यूज़ करें। व्हेन गोइंग आउट एक्सरसाइज एक्सेसरीज विद अ हेयर दैट शेड्स योर फेस नेक एंड ईयर्स। जब भी आप बाहर जाएं, एक्सेसरीज पहन के जाएं, हैट पहन के जाएं, शेड्स आपके सन ग्लासेस पहन के जाएं, फेस एंड नेक एंड ईयर पूरा कवर करके जाएं। मैन एंड वुमेन एज 15 ईयर्स एंड अबव। देखिए हु इज़ सूटेबल फॉर, ये जो 15 ईयर्स से अबव है उन्हीं के लिए है, इससे कम वालों के लिए ये नहीं बना है। सनस्क्रीन इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इसकी MRP है 399। इसकी शेल्फ लाइफ है 2023 एंड ये 6/2021 का बना हुआ है, क्योंकि है ही न्यूली लॉन्च तो प्रोडक्ट्स अभी बनाएगा। एंड क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन फ्री प्रोडक्ट है। बाकी इसके डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग एंड अब इसकी देख लेते हैं इनर पैकेजिंग। ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ये एंड जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो कुछ ऐसा दिखता है। नाइस पैकेजिंग बट देखिए बताते मैंने बट क्यों कहा। देखिए ये कुछ इस तरह से ऐसे इसके अंदर पैक था। देखिए 50 ग्राम क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी इसमें कम लगी एंड प्राइस मुझे ठीक लगा, लेकिन प्राइस क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी इसमें कम लगी। बट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आप इसे ख़रीद सकते हैं। एंड देखिए इसकी पैकेजिंग काफ़ी और सनस्क्रीन से थोड़ी अलग है एंड थोड़ी स्टाइलिश भी है। एंड ये इस तरीके से ओपन हो जाए, ट्विस्ट के साथ भी बंद भी होती है एंड ट्विस्ट के साथ भी ओपन हो जाए। सो इस तरह की प्रोडक्ट आपको मिलता है। इस पर भी सेम चीज़ें मेंशन हैं जो आपकी आउटर पैकेजिंग पर मेंशन हैं, वही सेम चीज़ें इस पर मेंशन हैं। एंड देखिए अल्ट्रा लाइट एंड हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है इसका, प्रोटेक्ट अगेंस्ट UV एंड ब्लू रेस। देखिए वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यूवी रेस कुछ लिखा हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने UV एंड ब्लू रेस। UVA या UVB भी नहीं लिखा, खाली UV लिखा हुआ है। एंड इनके इंग्रेडिएंट्स है एक्वा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सनकेट सोडियम, ग्लिसरिन, जिंक ऑक्साइड, एंडी अल्फा एंड बहुत सारे सोडियम बेनोजेट बहुत सारे हैं। एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ तो आपको पता है, जैसे कि हर सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है इसे। एंड आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसा ये जेल बेस्ड है।
ये थोड़ा सा क्वांटिटी आपकी ज़्यादा लगेगी। थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, ये देखिए, जैसे और जो होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा लगती है, उनकी थोड़ी कम लगती है, सॉरी, इसकी थोड़ी सी मुझे लगता है क्वांटिटी मेरे फेस पर ज़्यादा। देखिए काफ़ी रनी टेक्सचर है, इतना भी रनी नहीं है कि बह ही जाए और लगे। ये कोई वाइट कास्ट नहीं देता एंड इसकी फ्रेगनेंस भी बिल्कुल माइल्ड है। बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं है इसमें कि आपको इरिटेट होगा। एंड फर्क आप देख सकते हैं, काफ़ी थोड़ा ड्यूई सा लुक देता है, बहुत ज़्यादा मैट फिनिश नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा ड्यूई दिखाई देगा, आपको फर्क भी दिखाई देगा। एक फेस पर एक ग्लोसीनेस सी आ जाती है, ड्यूई सा है थोड़ा, बट काफ़ी अच्छा। लेकिन क्वांटिटी इसकी फेस पर थोड़ी सी इससे ज़्यादा लगेगी, बहुत कम नहीं लगेगी। फॉर्मूला मुझे इसका अच्छा लगा। एंड अभी जो मामा फारों ने अभी स्कीम भी निकाली थी, उनका एक ऑफ़र भी आया था, बाय वन गेट वन फ्री, सो मैंने उसमें ही इस प्रोडक्ट को बाय किया है। सो आप भी चेकआउट करते रहे मामा की साइट से, आपको भी बाय वन गेट वन ऑफर बिल्कुल मिल सकता है वहाँ पर, एंड आप जाकर देख सकते हैं बिल्कुल। एंड एक के साथ एक आपको फ्री भी मिल सकता है। मैंने इसके साथ एक प्रोडक्ट और ख़रीदा, उसका भी मैं रिव्यू अपने चैनल पर करूँगी, चाहे तो आप देख सकते हैं। एंड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ किए हैं सनस्क्रीन के भी, मैंने और भी लैक्मे वगैरह के भी किए हैं, सो वो भी आप मुझे जाकर देख सकते हैं। एंड इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट प्रोडक्ट, सो आपको तो ये ज़रूरी लगाना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।